एक वक्त था जब थिएटर और सिनेमा में महिला का किरदार भी पुरुष कलाकार निभाते थे। उस जमाने में महिलाओं का इस क्षेत्र में काम करना बहुत ही ओछा माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदली और महिलाओं ने रंगमंच पर कदम रखना शुरू किया। कहते हैं कि बंगाली थिएटर में अंग्रेजी थिएटर से भी पहले अपने नाटकों में महिला कलाकारों को स्टेज पर उतारा। उस शुरुआती दौर की पहली चंद कलाकारों में से एक थी विनोदिनी दासी। अपने अभिनय और कला से विनोदिनी ने बंगाली थिएटर को एक नए आयाम तक पहुंचाया और आज भी बंगाल में वे नटी विनोदिनी के नाम से लोगों के दिलों में बसती हैं। समय समय पर बंगाली थिएटर और टीवी धारावाहिकों में उनकी कहानी को दोहराया भी जाता है। उनका नाम उन भारतीय अभिनेत्रियों में शामिल होता है जिन्होंने अपने अभिनय से लोगों को किरदारों से जुड़ने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने कलाकारों के कॉस्ट्यूम और मेकअप में रचनात्मक और क्रियात्मक प्रयोग किए। यह मशहूर अभिनेत्री शिक्षा के महत्व को भी समझाती थी और इसलिए कहा जाता था कि विनोदिनी घंटों कुछ न कुछ पढ़ने में व्यस्त रहती थी। आज के बहुत से लेखक उन्हें अपने समय की फेमिनिस्ट कहते हैं, क्योंकि उनके सपने और उनकी महत्वाकांक्षाएं उन्हें अपने समकालीन कलाकारों से बहुत अलग रखती थी। विनोदिनी सिर्फ एक स्टेज तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह तो अपनी एक अलग पहचान चाहती थी, अपना एक थिएटर जहां वह कला की दुनिया को सजा सके। हालांकि उनके सपने दकियानूसी सोच की भेंट चढ़ गए। वह एक तवायफ की बेटी थी और इसलिए कला से संपन्न होने के बावजूद समाज ने उन्हें कभी स्वीकार नहीं किया। साल 1862 में कोलकाता में जन्मी विनोदिनी ने बचपन से अगर कुछ देखा तो सिर्फ गरीबी। उनके छोटे भाई की मात्र 5 साल की उम्र में शादी कर दी गई ताकि दहेज में मिले गहने आदि को बेचकर घर का खर्च चला सके। विनोदिनी के नाजुक कंधों पर भी घर चलाने की जिम्मेदारी थी, इसलिए महज 12 साल की उम्र से ही उन्होंने थिएटर करना शुरू कर दिया था। थिएटर की दुनिया से उनकी पहचान उस समय की एक थिएटर गायिका गंगाबाई ने करवाया। गंगाबाई उनके घर में किराए पर रहने आई थी और उन्होंने छोटी विनोदिनी को गायन सिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने ही विनोदिनी की मुलाकात कोलकाता थिएटर के दिग्गज कलाकार और निर्देशक गिरीश चंद्र घोष से करवाई। घोष ने ही विनोदिनी को अपने नेशनल थिएटर के एक नाटक बेनी संहार से स्टेज पर उतारा। उस नाटक में विनोदिनी ने एक छोटी सी भूमिका निभाई, पर इस छोटे से किरदार के बाद विनोदिनी थिएटर की दुनिया में आगे बढ़ती चली गई। गिरीश ने विनोदिनी को रंगमंच की बारीकियां सिखाई, या फिर यूं कहें कि उन्होंने ही विनोदिनी की कला को तराश, उनके भीतर के हीरे को निकाला। विनोदिनी ने हमेशा ही घोष को अपने गुरु और मार्गदर्शक होने का श्रेय और सम्मान दिया। कहते हैं कि विनोदिनी किसी भी पात्र को सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं निभाती, बल्कि उसे स्टेज पर जीवंत कर देती थी। घंटों रिहर्सल करना, किरदार को बार बार पढ़ना और उसमें रम जाना, विनोदिनी के कुछ गुर ऐसे थे जिससे वह अपनी कला को और निखारती चली गई। उन्होंने बहुत बार एक ही नाटक में कई अलग अलग भूमिकाएं भी निभाई और हर एक को इस तरह पेश किया कि दर्शक विनोदिनी को किरदार के बाहर कभी देख ही नहीं पाए। मेघनाथ वध में उन्होंने 6 अलग अलग भूमिकाएं निभाई, परिमाला, बरुनी, रति, माया, महामाया और सीता। इसके अलावा दुर्गेश नंदिनी नामक नाटक में भी 3 किरदारों को उन्होंने जिया था। उनका सबसे चर्चित नाटक चैतन्य लीला रहा, क्योंकि इसमें उन्होंने किसी महिला का नहीं बल्कि संत चैतन्य का किरदार निभाया। चैतन्य लीला से उनके अभिनय की चर्चा पूरे बंगाल में हुई। दर्शकों को यूं लगा कि मानो खुद संत चैतन्य उनके सामने है। यह नाटक और भी एक वजह से चर्चा में रहा। दरअसल महान समाज सुधारक रामकृष्ण परमहंस खुद इस नाटक को देखने के लिए आए थे। वह इस कदर विनोदिनी की कला से प्रभावित हुए कि खुद जाकर विनोदिनी से मिले और उनकी कला की सराहना कर उन्हें आशीर्वाद दिया। कहते हैं कि चैतन्य लीला के बाद विनोदिनी का थिएटर करियर अपने शीर्ष पर था। हर तरफ अभिनय की दुनिया में उनका ही नाम था। लेकिन ठीक उसके 2 साल बाद 1887 में उन्होंने अपना आखिरी किरदार बेलिक बाजार नाटक के जरिए निभाया और महज 24 साल की उम्र में रंगमंच की दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके इस फैसले की अलग अलग वजह लोग देते रहे। किसी ने कहा कि संत चैतन्य की भूमिका ने उनके मन पर गहरी छाप छोड़ दी और इसलिए उनका मन इस दुनिया से विरक्त हो गया। तो कोई कहता कि अपने निजी संबंधों की वजह से उन्होंने ये काम छोड़ा। वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन उनकी छाप थिएटर पर आज भी है। 13 वर्षों का थिएटर करियर, 80 से ज्यादा नाटक और 90 से ज्यादा किरदार, और आज भी विनोदिनी का नाम रंगमंच की दुनिया पर अमिट है।
थिएटर की पहली महिला कलाकारों में से एक होने के साथ साथ विनोदिनी अपनी आत्मकथा लिखने वाली चंद पहली दक्षिण एशियाई अभिनेत्रियों में से भी एक। उन्होंने साल 1912 में अमार कथा लिखी और 1924-25 में अमार अभिनेत्री जीवन किताब लिखी। अपनी किताबों में उन्होंने अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव के बारे में लिखा। साथ ही उन्होंने थिएटर की दुनिया में स्त्रियों के साथ होने वाले पक्षपात और दुर्व्यवहार को भी उजागर किया। उनकी किताबों के जरिए लोगों को पता चला कि किस तरह कोलकाता के मशहूर स्टार थिएटर के निर्माण के लिए विनोदिनी ने अपना सौदा किया था। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक या शेयर करना ना भूलें। इसी तरह के तमाम रोचक और अनसुनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को टैग कर दें, ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे।